मनु जी, एक और चीज़ है, जब आप शुक्ला से मुंतशिर हुए, आप काफ़ी यंग थे जब आपने ये डिसीजन लिया, आपका एक्सपोजर इतना कम था. नॉर्मली अगर, जैसा कि आपने कहा कि जिस दिन आप ठान लें, जिस दिन आपको पता चल जाए, बट इतना शोर है दुनिया में कि हम गुम हो जाते हैं, हम अपने डिसीजंस पे कायम नहीं रहते, हम वो करना चाहते हैं जो पॉपुलर है. आपने कैसे एक ऐसा सरनेम चुना अपने लिए जो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, साथ ही इसका मीनिंग क्या है? एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगती है आपके बारे में, कि अगर कोई बॉलीवुड का रुख करना चाहता है तो वो हमेशा हीरो बनना चाहता है, गीतकार कभी नहीं. कई बार लोग हीरो बनने आते हैं और गीतकार बन जाते हैं. कैसे आप इतने डिटर्मिंड थे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉपुलर प्रोफेशन. हाँ, मैं ये मानता था कि गीतकार भी हीरो हो सकता है. और आप हैं, वाई नॉट. और अपनी कहानी का हीरो तो हर इंसान खुद होता है. तो ये मेरी कहानी थी, इसका हीरो तो मैं ही हूँ, अपनी कहानी के हीरो तो आप ही हैं. मुंतशिर मेरा पेन नेम है, तखल्लुस से मेरा, और वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं बताऊँ कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रिसर्च, कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी, दर्शन, जीवन का था, कुछ था नहीं ऐसा. मैं मेरा जो शुरुआती रिश्ता था पोइट्री से, वो उर्दू पोइट्री से था, और मैं गज़लें कहता था, और गज़लों के जो भी शायर हुए हैं, एक रिवाज चला रहा है, ट्रेडिशन है पेन नेम का. साहिर, कैफ़ी, फिराक, मजरू, ये सब पेन नेम्स हैं, असली नाम नहीं है किसी के. तो मुझे भी एक पेन नेम चाहिए था, और पेन नेम ऐसा चाहिए था जो मुझसे पहले किसी का ना रहा हो, यूनिक, इतना यूनिक कि अगर मैं वो बोलूँ तो वो मैं ही मैं हूँ और दुनिया में कोई दूसरा ना हो. ऐसा पेन नेम तलाश करना बड़ा मुश्किल था. और फिर एक दिन मुझे याद है, मेरा टाउन गौरीगंज, जहाँ की मैं पैदाइश हूँ, जहाँ मेरा पूरा बचपन और मेरा शुरुआती वक्फा गुजरा ज़िंदगी का, तो सर्दियों की एक शाम थी, तकरीबन 7 बजे थे, स्लीपी टाउन, 7 बजे पूरा गौरीगंज सोया हुआ था, और मैं एक चाय की तलाश में यहाँ वहाँ आवारागर्दी कर रहा था. दूर मुझे कहीं चौक में एक भट्टी पे सिगड़ी जलती हुई दिखी, और कोहरा था, बहुत धुंध थी, और मैं वहाँ पहुँचा. चाय की दुकान थी बबलू की, मैंने बबलू से बोला, बबलू चाय बना दो यार. तो वो चाय चढ़ाई उसने सिगड़ी पे, और मेरा ध्यान गया कि रेडियो जो एक खूंटी से टंगा हुआ था, उस रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था, और उस मुशायरे में कोई शायर एक शेर पढ़ रहे थे, और शेर कुछ यूं था कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है. मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, टूटा हुआ. अगर हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, तो तुम्हारी आँख में आंसू क्यों है? कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं, तुम्हें गम क्यों है? जब मैंने ये सुना ये वर्ड, और मैंने तुरंत चाय पीते पीते, वो एक एलिट्रेशन होता है, मैंने साथ रख के देखा मनोज और मुंतशिर, तो देर वॉज अ रिंग इन इट. और बस उसी शाम, इससे पहले कि मेरी चाय ख़त्म होती, मैं मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर हो गया था. और अभी जब मैं देखता हूँ, पता नहीं, लोग कहते हैं कि नाम का असर बहुत होता है इंसान पर. मैं ऐसा कोई टूटा बिखरा हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत जमा, बहुत ही ठोस सुलझी हुई ज़िंदगी है मेरी. मेरी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं नहीं. फिर भी कभी कभी जब इस नाम के बारे में सोचता हूँ, तो एक शेर है मेरा, मेरी किताब में, मेरी फितरत है मस्ताना में, कि नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी ज़िंदगी ढूंढना पड़ेगा. नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी ज़िंदगी ढूंढना पड़ेगा, और कितना टूटना बाकी बचा है, और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा. वाह, this is so beautiful, Manu ji.